पिछले दिनों दमोह जिला मुख्यालय पर हटा क्षेत्र से आए पंचायत प्रतिनिधियों का तथाकथित पत्रकारों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह प्रदर्शन एवं ज्ञापन सामने आया था। अवैध वसूली बंद करो, 181 बंद करो जैसे नारों के साथ में यह प्रदर्शन चला था। हटा जनपद क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों सचिवों आदि के साथ में बड़े बड़े फोर व्हीलर वाहनों के साथ में यहां पहुंचे प्रतिनिधियों का नेतृत्व करता और कोई नहीं बल्कि जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष उछल पटेल रहे थे, जो कि वर्तमान में हटा जनपद पंचायत का संचालन करते बताए जा रहे हैं। दमोह जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए बड्डा के कार्यकाल में क्या कुछ नहीं हुआ, कितना भ्रष्टाचार हुआ, मनरेगा के क्या कुछ काम हुए, कैसे सुदूर सड़कें बनी या किसी से छिपा नहीं है। इसके बावजूद 1000-2000 रुपए मांगने वाले शिकायतकर्ता तथाकथित पत्रकारों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले या जनप्रतिनिधि यह बताने से नहीं चूक रहे हैं कि उनके द्वारा मशीनों से जो काम कराया जाता रहा है, अन्य गड़बड़ी की जाती रही है और उसके बदले में यदि स्थानीय स्तर के छोटे मोटे पत्रकार उनसे 15 अगस्त 26 जनवरी के विज्ञापन के नाम पर 1000-2000 रुपए ले लेते थे तो क्या गलत कर उनको पैसे दिएगा तो उन्होंने शिकायत वापस ले ली। कितने पैसे दिए गए? 1500 रुपए। फोन पे से किए थे, फोन पे मेरा कार्ड भी है। किस बात को लेकर आपने पैसा दिया था? किस शिकायत को लेकर आपने? शिकायत उन्होंने की थी परकुलेशन टैंक बना रहे थे उसमें उन्होंने मशीन चलने की शिकायत की। आपने पैसा किस बात का दिया था? उन्होंने दबाव बनाते हैं कि आप 181 बंद कराओ। नहीं तो आपने पैसा किस बात का दिया था? 1500 रुपए लिए थे उन्होंने हमसे। किस बात के दिए थे आप? दबाव डाल रहे थे वो कि 1500 रुपए दो हमें। दबाव में आप कैसे विज्ञापन भी निकाला उन्होंने हमारा 26 जनवरी का। इस संबंध में आपने किसी से शिकायत की थी? 26 जनवरी का विज्ञापन के माध्यम से लिए उन्होंने पैसे। आपने सुना, तथाकथित पत्रकारों के खिलाफ ज्ञापन देने आया सरपंच महोदय खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि 15 अगस्त या 26 जनवरी के विज्ञापन का भुगतान करना था। शायद इसी वजह से पेमेंट नहीं करने की वजह से इन पत्रकार महोदय ने उनकी 181 में शिकायत की थी। या यह बात भी स्वीकार कर रहे हैं कि परकुलेशन टैंक में मशीन का उपयोग किया गया था जिसकी शिकायत की गई थी और इनके द्वारा 1500 रुपये दे दिया गया तो शिकायत बंद हो गई। समझा जा सकता कि किस तरह से पंचायत प्रतिनिधि विज्ञापन लगवाने के बाद भुगतान नहीं करते हैं। जो अनाधिकृत रूप से पत्रकार हैं उनके द्वारा सभी सरपंचों पंचायतों को ब्लैकमेलिंग किया जाता है, पैसे मांगे जाते हैं। यदि पैसे ना दूं तो झूठी शिकायत करने की धमकी दी जाती है। 181 पर फर्जी शिकायत की जाती है जिससे ग्राम पंचायतें विकासकारी जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं प्रदेश सरकार की वो